डर लग रहा है मुझे, ऊंचाई से काफी ज्यादा डर है। दिखाता हूँ मैं फिर भी, ये देखो शिट। Awesome people, welcome back to my YouTube channel. This is your channel with Amesha Gita. तो कैसे हो सारे लोग? I hope everyone is doing good. तो मैंने जैसे कि एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं 9 ब्लॉक्स डालूंगा टिल 29 तक, और आज है 29 एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेरे लिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, वो होता है, एक खुद की कमी है, मैं मानूंगा मैं चैलेंज हार गया। ठीक है, लेकिन रीज़न बहुत सारे थे, लेकिन द मोस्ट रीज़न इज मैं जॉब करता हूँ तो टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मुझसे, एंड दिस द मेन प्रॉब्लम आई थिंक, क्योंकि आज छुट्टी है, मैंने आज बहुत दिनों बाद छुट्टी लिया है एंड आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बेटर फील कर रहा हूँ बिकॉज आज मैंने कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है शायद 11 एंड मैं उठा हूँ 10:30 बजे जस्ट, तो समझ सकते हो आज नींद भी पूरी। रेगुलरली कुछ दिनों से क्लाउडी मौसम था जो मुझे उतना पसंद नहीं, अभी आज थोड़ा धूप निकला है तो अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। बाहर निकला था अभी, अभी जाके चाय पी के आया एंड चाय घर पे हम बनाते नहीं बिकॉज हम तीनों ही मेल है एंड आज चलो आज मैं जहाँ रहता हूँ उस कैंपस का टूर देता हूँ आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है, रूम का भी दे सकता था बट ऐसा है कि हम तीन मेल है तो हमारा जो रूम है बहुत ही ज़्यादा मैसी है, रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर में जिसके वजह से यहीं पे आए ना। आज बाहर धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है, आई लाइक इट। कहाँ आए थे भाई? अच्छा अच्छा हॉस्पिटल नया। ओके, तो अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने 2-3 दिन से कोल्ड हो रहा था मुझे एंड दैट्स व्हाई आई वाज मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे हमेशा मतलब रूम के अंदर छाए में जाता रहता हूँ, जिसके वजह से जो धूप है वो मैं फील नहीं कर पा रहा था एंड आज फाइनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि 2-3 दिनों से कोल्ड होने के बाद ऐसे धूप सेकना इट्स अमेजिंग। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये जो स्ट्रीट है सामने हमारा गेट है सीध है एंड गार्डन एरिया काफ़ी अच्छा बना है। साइड में ये पेड़ था, ये इसको नंगा कर दिया गया है पता नहीं क्यों, वो ये मिलने से थोड़ा साया ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा था ये कल नंगा कर दिया गया है इसको एंड यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह एंड ऑल है। अभी अभी दिखाया मैंने ये गेट है एंड सामने ये क्वींस रोड है, सॉरी ये इन्फेंट्री रोड है, ये काफ़ी बिजी रोड है, या ट्रैफिक की आवाज़ सुन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है एंड दैट्स द साइड प्रोफाइल। ये हमारे रूम में कमरे है, ये आप देख सकते हो एंड द गार्डन इज लाइक वाओ इट्स गुड वेल मेंटेन्ड है, कुछ दिनों से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और ये है यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं जनरली बिकॉज हमारे पास कपड़े सुखाने के लिए एक्स्ट्रा जगह नहीं है एंड वी डोंट यू नो बाय दैट काइंड ऑफ मटेरियल तो कपड़े सुखाने के लिए, तो ऐसे ही करते थे, मतलब ऐसे ही सुखा देते, बस सुखाने से मतलब है क्या कैसे करना है क्या वो सब नहीं। तो ये आ जाते पीछे की तरफ काफ़ी अलग सा फील है, ऐसा कि बहुत लोनली सा फील रहेगा, पूरा गार्डन टाइप का है क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये पूरा खाली है, सिर्फ 4 या 5 घर लोग रहते हैं इंक्लूडिंग अस, हम रहते 3 लोग एक घर में एंड ऊपर और 4 घर में लोग रहते शायद, नहीं 5 घर में लोग रहते, टोटल 10th फ्लोर तक है। मैं आपको ऊपर भी ले जाके दिखाऊंगा, इससे पहले हम बैकग्राउंड और भी अच्छे से देखते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस होता है यू नो वॉकिंग के लिए, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं पे आप कर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉकिंग चाहिए तो वो आप जा सकते हो। पीछे के एरिया कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसकी ये खास थोड़ा बड़े हो गए, इसको काटना है, मतलब मेंटेनेंस थोड़ा सा अभी कम हो रहा है, कम चल रहा है, पर जब जैसे ही बिल्डिंग में लोग पूरा भर जाएंगे तब से वापस से सब मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। एंड ये भी पेड़ है, ये ज़्यादा बड़े हो गए थे तो उसके ऊपर के जो वो है वो थोड़ा काट दिए गए क्योंकि मच्छर ज़्यादा हो जाते बहुत ज़्यादा। एंड आपको अभी ले चलते पार्किंग एरिया की तरफ,
पार्किंग एरिया काफ़ी लार्ज है और नीचे, इसके नीचे और भी है पार्किंग एरिया, अंडरग्राउंड में 2 फ्लोर है। ओके सो हियर इज द 10th फ्लोर एंड यहाँ से है स्विमिंग पूल। ये शायद आज लॉक है, नहीं ओपन है। मैं स्विमिंग पूल की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले यहाँ से आता हूँ। एक्चुअली आज ये ही लॉक है, उस दिन स्विमिंग पूल लॉक था, आज ये लॉक है। कोई बात नहीं, आज चलो आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया धूप है। ये जिम रूम है लेकिन अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ है, जैसे कि मैं बोला अभी मेंटेनेंस चालू नहीं हुआ। तो यहाँ पे जिम रूम है एंड ड्रेस चेंज, जैसे कि ऊपर स्विमिंग पूल है तो यहाँ ड्रेस चेंज करने के लिए कुछ रूम्स है एंड वहाँ पे वॉशरूम्स भी है। चलो ऊपर चलते हैं एंड साउंड आ रहा होगा, ये मोटर चालू है स्विमिंग पूल का। मैं आज सोच रहा हूँ यहीं पे नहा लूँ। ये देख सकते हो स्विमिंग काफ़ी बढ़िया है एंड इसके ऊपर से ये व्यू रहा। यहाँ पे एक ये मैकेनिज्म बड़ा ही अलग है, इतना समझ में नहीं आता, बट जो भी है काफ़ी खूबसूरत से स्विमिंग पूल है। थोड़ा पेड़ देख के देखते हो कितना ठंडा है। यू नॉर्मली मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे नहाया था उस टाइम में बहुत ठंडा था एंड मुझे बुखार भी हो गया था। उफ, बहुत ठंडा है पानी, पानी पता नहीं इतना ठंडा क्यों रहता है। मैं जब भी नहाता हूँ ठंडा रहता है यहाँ पे पानी। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे नहाया जाए। धूप आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि मैं आँखें अपनी आँखें नहीं खोल पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा तगड़ी धूप हो रखी है। एंड स्विमिंग पूल जैसे कि आपको मैंने अभी अभी दिखाया है, क्या सीन है। अभी आज मैं सोच रहा हूँ यहीं पे नहा लूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने छुट्टी ली है एंड इट इज़ काइंड ऑफ रिलैक्सिंग, रिलैक्स करने के लिए लिया है। नॉट लाइक ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बट आई थॉट कि चलो बनाते एक ब्लॉग। एंड यार काफ़ी तेज धूप है एंड मैं वहाँ से जो डोर नहीं ओपन हो रहा था ना, उसी डोर से मैं कुछ सीनरी दिखाने वाला था क्योंकि बेंगलोर का एक अच्छा, शिवाजी नगर का एक अच्छा व्यू आता है वहाँ से। एंड यहाँ से आपको कुछ लाइट, आई गेस मैं ऊपर जा सकती हूँ, इससे ऊपर जा सकती हूँ। मैं यहाँ से चढ़ के फिर वहाँ पे जाके फिर वापस सीढ़ी है, वहाँ से डायरेक्ट उधर जाऊँगा। अभी मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से गिरने का चांस हो सकता है, जो रिक्सी हो सकता है। मुझे वैसे भी ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, इतना भी ऊंचाई नहीं है लेकिन फिर भी रिक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं शूट नहीं करूँगा, वहाँ से वहाँ पर जाके मैं बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ से लेके चलते हैं ऊपर, गर्मी लग रही है, जैकेट कर सकते हैं। अभी भी ऊपर जाना है एंड धूप गर्म है यार। वाओ कैट सिनेरियो आपको दिखाता हूँ, आप वेट कीजिए मैं दिखाता हूँ आपको। ओह माय गॉश, दैट इज समथिंग वेरी गुड। अभी अभी नींद के नींद से उठा, जैसे कि आधा घंटा ही हुआ है मुझे नींद से उठे हुए एंड दिस सिनेरियो इज ऑसम, लिटरली इट इज ऑसम। सामने एक बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, देखा तो। एंड बैक कैमरे से देखो क्या सिनेरियो है, आप भी महसूस करो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, देखो। यहाँ पे हवाएं चल रही है जिसके वजह से शायद आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं सुनाई दे रही होगी एंड धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मीठी धूप है, धूप ज़्यादा है लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग गुड रियल एंड ये देखो बेंगलोर, ये जो पीछे है ये शिवाजी नगर है एंड ये जो एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल एंड कॉलेज
बोथ कंबाइंड है या ये? हाँ ये बोथ कंबाइंड है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जीएमसी हो गया, गुवाहाटी में है हमारा जीएमसीएच कॉलेजन हॉस्पिटल लाइक दैट। शिवाजी नगर पे मेट्रो का काम भी चालू है, तो आप शायद वो क्रेन देख पा रहे होंगे। आई गेस अगर कैमरे पे आ रही होगी तो ये कैमरे का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि उतना अच्छा नहीं है। मैं रेगुलरली जिसमें ब्लॉग करता हूँ वो आज मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ दिखाने का। तो शायद आपको दिख रही होगी क्रेन, तो वो क्रेन वहीं पे मेट्रो का काम चालू है। मेट्रो का लगभग ये मतलब पहले जब का मेट्रो पहले से ही है बेंगलोर में, ऐसा नहीं कि नहीं है अभी चालू है, ऐसा नहीं है। मेट्रो पहले से ही बेंगलोर में है लेकिन उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसी के लिए काम चालू है। वो सामने इंदिरा नगर है एंड ये सारे सीन है, काफ़ी A1 सीन है। वहाँ पे आपको वो मिलेगा विधानसौधा, विधानसभा कहते हैं लेकिन यहाँ पे शायद सौधा कहते हैं शायद, आई गेस। तो वो शायद आपको टेंपल की तरह दिखाई दे रहा है, जो वो है विधानसौधा। एंड ये जो फील्ड देख रहे हो ये क्रिकेट स्टेडियम है, एंड इसी में शायद बेंगलोर का, मैंने जहाँ तक सुना है यहीं पे बेंगलोर का जो मैच रहता है RCB का मैच यहीं पे होता है। एंड दैट्स इट। और यहाँ से कहीं पे UBCT भी नज़र आता है, ले इस बिल्डिंग की वजह से नहीं दिखाई देता वो UBCT। और उसी UBCT में काफ़ी बड़े बड़े सेलेब्स आके रहते हैं, एंड देन किंगफिशर टावर भी है, वहीं पे भी लोग ठहरते हैं। आई गेस यहाँ से दिखाई नहीं देगा, नो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, बट कोई नहीं। और ये लाल बत्ती, आपका लाल बत्ती। आज की वीडियो यही तक है, एंड आई डोंट नो ये मैंने क्या बनाया, बट ये सोच लो ये रेगुलर डेली काइंड ऑफ व्लॉग है, थोड़ा सा टूर है। मैं कहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ वही उसी जगह का एक छोटा सा टूर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगे रहे। एंड लास्ट वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए मुझे, इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें थोड़ा बहुत आया, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि व्यूज़ नहीं आते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे भी लगे रहना चाहिए, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर से व्लॉग बनाने लगा हूँ, एंड दैट्स इट। तो आज की वीडियो यही तक थी, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, पता चल रहा है, एंड यहाँ से इसी और मैसूर है, अलसूर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्त मस्त जगह है, तो मैं भी सोच रहा हूँ उधर भी जाके कुछ एक्सप्लोर करूँ। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट। तो बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। That's it. Bye.